इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। इस्तेमाल कर पाएं तो बेशक हम इसके खिलाफ कामयाब होंगे। आपकी एक राय थी कि ये इंजीनियर्ड है, मैन मेड वायरस, जिसको मैंने भी उस दिन शायद इसी तरह कहा था, तो आपकी राय इसमें बदली है या क्योंकि बहुत रिसर्च हो चुकी है इसके ऊपर, अब बहुत काम हो गया इसके ऊपर। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा मैंने इसको इंजीनियर्ड क्यों कहा था। और ये सवाल बाद में बहुत गूंजता रहा, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी। जी, बहुत सारे लोगों ने पूछा और बाहर के मुल्कों से लोगों ने पूछा। मैंने इसको इंजीनियर्ड इसलिए कहा था कि इस पे दो तहकीकें मकाले आए थे और जो ये आए थे, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से आया था और एक लुइस पाश्चर इंस्टीट्यूट से आया था, जो कि हेडेड बाय था डॉक्टर मॉन्टेनियर। और ये डॉक्टर मॉन्टेनियर वो शख्स हैं जिन्होंने एड्स की वायरस को डिस्कवर किया था, आइडेंटिफाई किया था। और ये वायरोलॉजी के, जिसे कहते हैं ना, इनको मास्टर माना जाता है, बल्कि इनको बाप कहा जाता है, यू नो, लाइक हिज फादर ऑफ वायरोलॉजी के। जी हाँ, जी हाँ। और वायरसेस के ऊपर इनकी इतनी रिसर्च है। और 2008 का इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक। इन्होंने ये बताया कि दोनों ने जो कॉमन बात की वो इन्होंने ये की कि इसके जीनोम का जब हमने मुशाहिदा किया तो हमने ये पाया कि इसके अंदर एक्सोजीनस इंसर्शंस हैं। अब मैं इसको आम आदमी के लिए समझा दूं कि इसका क्या मतलब है। एक्सोजीनस इंसर्शन से ये मुराद है कि अगर हम इस कोरोना वायरस को एक इंसान की तरह देखें तो इसका धड़ मलेरिया के जरासीम का है, जिसको हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। इसका सर एच वायरस का है और इसके जो निचला टॉर्सो है, जिसको हम टांगे कहेंगे, वो सार्स कोविड 1 का है, जो अर्ली 2000 में आई थी। ये कॉम्बो है मुख्तलिफ जरासीमों का या चीज़ों का। जी हाँ। और इसका नेचर में इकट्ठे हो जाना बड़ा, यानी कि मुश्किल माना जाता है। और आप सितम ज़रीफ़ी देखिए कि जब इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स पब्लिश की, ख़ास तौर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने, तो उनको इसको थोड़ा और आसान करने पहले, हाँ, साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर ये वायरस बना है। जी हाँ। उन चीज़ों का कुदरती तौर पर इकट्ठे होने का इम्कान नहीं है, इनको इकट्ठा करना पड़ेगा, ये लैब के अंदर हो सकता है। जी, ये कह रहे हैं आप। जी बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ा। अच्छा, अब मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने जो अपनी फाइंडिंग्स, उनके साइंसदानों ने 10 से तकरीबन 10-12 के करीब थे, सिर्फ मुशाहिदा देख के उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि ये क्या चीज है। दे वर फोर्स्ड टू विदड्रॉ देयर फाइंडिंग्स। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि अब तो ये आ गया हमारे सामने, ये कहाँ से आया, ये एक मेरे ख्याल में एक ऐसी बहस है जिसका कुछ हासिल नहीं है। और ये हिस्ट्री बताएगी कि ये कहाँ से आया और ये किसने बनाया। इससे जान कैसे छूटेगी, कब छूटेगी, नॉर्मल जिंदगी वापस कब आएगी। हर बंदा ये पूछ रहा है कि मुझे शॉपिंग मॉल में जाना है, बाजार में जाना है, बच्चों के स्कूल खुलने चाहिए, हम इकट्ठे हो जाएं, दोस्त यार गपशप लगाएं, हाथ पे हाथ मार के हंसें, आपस में गले मिलें। वो जो एक पूरा हमारा कल्चर है पाकिस्तान का, तो आपको पता है ऐसा ही है एशिया का खास तौर पे, वो लोग कहते हैं वो वाली नॉर्मल जिंदगी वापस कब आएगी, हमारी जान कब छूटेगी, ये है सबसे बड़ा सवाल। वी हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट विद इट। ठीक है। फ्लू आया था 1920 में, स्पेनिश फ्लू 1920, और उसने लाखों करोड़ों लोगों की, 5 करोड़ बंदे उसमें, जी जी जी, उसमें शायद बिल्कुल हो गए थे उस दौर में, यहाँ पंजाब में, लाहौर में सैकड़ों लोग मारे जाते थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और आज वही फ्लू जो इतने लोगों की जाने ले गया आज से 100 साल पहले, आज वो फ्लू हमें होता है और हम 2 छींके मारते हैं और फिर भी हम चलते फिरते रहते हैं। सो वी हैव लर्न टू लिव विद इट। हमारी बॉडीज ने, हर्ड इम्यूनिटी हमारी एक पैदा हो चुकी हुई है और हम उसको इजीली रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसको हम काउंटर कर लेते हैं। ओल्डर एज में जाके हमें फ्लू शॉट्स भी लगानी पड़ जाती हैं, बट बाय एंड लार्ज इट इज़ मैनेजेबल। इसी तरह कुछ अरसा लगेगा
और ये हमारी बॉडी भी इसको अडेप्ट कर जाएगी और इस किस्म के इश्यूज नहीं आएंगे, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी. सो वी हैव टू लर्न टू को एग्जिस्ट विद इट. ये अगर हम कहें कि ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा तो साइंस और अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बिल्कुल कोई ऐसा मिरेकल हो जाए, कोई अल्लाह ताला करम फरमा दे तो बिल्कुल ये ख़त्म भी हो सकता है. बट आई डोंट नो, बट एट इस स्टेज पे. लेकिन साइंटिफिक रिकॉर्ड कहता है जो चीज़ आ गई फिर वो सस्टेन करती है. जी, खास तौर पे ये एक आरएनए वायरस है जो कंटिन्यूसली म्यूटेट करती है. देखें, ये छींकने को कुछ ऐसी चीज समझा नहीं जाता था इन्फ्लुएंजा से पहले. यानी 100 साल पहले जब इन्फ्लुएंजा की बीमारी आई तो उसके बाद ये रवाज पड़ा कि अभी भी अगर किसी को छींक आती है तो वो सॉरी या वो दूसरे से माजरत करते हैं, अपने मुंह के ऊपर हाथ रखना, ये फॉर्मूलाज वहां से इनिशिएट होते हैं. जी हाँ, जी हाँ. लोगों ने इसके साथ गुजारा करना सीखा. जी हाँ, जी हाँ. 5 साल तक लोग मरते रहे और उसके बाद लोगों के मरने के इम्कानात खत्म हो गए. फिर इसकी अद्वियात और वैक्सीन और बहुत सारी चीजें बन गई. जी, इसमें एग्जैक्टली वही होगा, उतनी तेजी से होगा, या कब तक हम इसके लिए इस काबिल हो जाएंगे कि इसके साथ साथ हम चलते रहें? फिर अब देखें, बड़ा फर्क ये है फ्लू वैक्सीन में, फ्लू वायरस में और इसमें. वो ये फ़र्क है कि ये ज़्यादा डेडली है. अच्छा, पहले तो वो भी काफ़ी डेडली था इनिशियली, बट लेटर ऑन इट प्रूव टू बी लेस डेडली. अब ये जो है कि ये इतना ज़्यादा लीथल है कि ये इट हैज़ मेड अस स्टैंड अप एंड टेक नोटिस, क्योंकि ये इन्फेक्शस भी है और इसके जो एक इन्फेक्शन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं, अगर आपको कोई क्रॉनिक कंडीशन हैं तो वो बड़े शदीद हो सकते हैं. इसलिए हम इसको यानी कि इस तरह इसको देख रहे हैं. अच्छा सर, ये इसके साथ आप कह रहे हैं कि जी अब जिंदगी गुजारनी पड़ेगी. जी, वी हैव टू लर्न टू कोएग्जिस्ट. हमने अब करना क्या है? यानी इसके साथ अगर जिंदगी गुजारनी है तो फिर गुजारनी कैसे? थोड़ा सा इस पे गाइड करें. देखें, इस पे सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो इसका जो सोल्यूशन है वो वैक्सीनेशन भी है, SOPs भी हैं, मगर ये टोटल सोल्यूशन नहीं है. इसका जो सबसे बड़ा सोल्यूशन है वो ये है कि हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें. अगर आप इन तीनों चीज़ों को मिला के चलते हैं तो आपके इससे निकलने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं. अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी चीज़ दी है, इम्यून सिस्टम, जो जिसको हम बिल्कुल जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करते. हम बात करते हैं SOPs की, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. हम बात करते हैं वैक्सीनेशंस की, दे कैन बी ए पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन बट दे आर नॉट द सॉल्यूशन. और ख़ास तौर पे जैसे अब नए वेरिएंट्स आ रहे हैं और कुछ वैक्सीन्स उसके खिलाफ इफेक्टिव नहीं है, तो आप कितनी वैक्सीन्स लगवाएंगे? या तो गाइज, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म. आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं. तो गाइज, आपने देखा पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने दबे लफ्ज़ों में बता दिया और मतलब ऐसा अंदेशा भी लगाया कि ये मैन मेड वायरस है. और मुझे भी ऐसा लगता है और आपको भी शायद ऐसा लगता हो, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और जो भी भारत के आसपास की जो कंट्रियां हैं, अभी जो सेकेंड वेव आई है इंडिया में, उसका आप इफ़ेक्ट देख सकते हो कि इन देशों में कहीं से भी इतनी ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं. और सेकेंड वेव में इंडिया ही मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है. आप देख सकते हो, मैं इसका मतलब ये नहीं कहना चाहता कि ये देश भी परेशान हो. मैं इसका मतलब ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी देश हैं बिल्कुल, मतलब आप देख सकते हो आस पास ही हैं, आस पड़ोस लगे हुए हैं. बांग्लादेश चारों तरफ से इंडिया से घिरा हुआ है. इंडिया की बहुत लंबी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है. और आप समझ सकते हो नेपाल तो ऑब्वियसली, भूटान में तो शायद सभी लोगों को वैक्सीन लग गई है, भारत नहीं दी थी, 7.5 लाख आबादी है वहाँ की. और श्रीलंका, इन देशों में केसेस नहीं हैं इतने ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू इंडिया. मतलब बहुत कम केसेस हैं वहाँ पर. इन देशों ने लॉकडाउन लगा लिया है डर के कारण कि इंडिया में इतने ज़्यादा केसेस आ रहे हैं. लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि भारत में केसेस एकदम से, आप देखो 50 दिन पहले भारत में मतलब 50 दिन पहले भारत में बहुत कम केसेस थे, ना के बराबर. भारत में मैचेस हो रहे थे क्राउड के साथ, भारत में मतलब सभी एक्टिविटी हो गई थी, नॉर्मल हो गया था इंडिया. लेकिन एकदम से ऐसा क्या हुआ कि ये सेकेंड वेव में जो ये वायरस आया है वो इतना ज़्यादा डेंजरस हो गया? और मैं सेकेंड वेव ही क्यों, मैं फर्स्ट वेव भी बोलना चाहूँगा. फर्स्ट वेव में आपको पता होगा दोस्तों, अमेरिका, रशिया, जहाँ पर बहुत सारे 5-5 लाख, अमेरिका में 8-9 लाख,
इंग्लैंड में, इटली में इतने सारे लोग मरे हैं, इतने सारे लोग मरे हैं, लेकिन जहाँ से ये वायरस आया है वुहान चाइना, वहाँ पर अब सब नॉर्मल हो चुका है। वहाँ पर मास्क, मतलब ऐसा हो चुका है कि मास्क वहाँ पर कोई भी नहीं पहनता है, सब नॉर्मल होकर घूमते हैं जहाँ से वायरस पैदा हुआ। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, मुझे तो इसमें डेफिनेटली ऐसा लगता है कि चीन ने दुनिया की इकनॉमी को, भारत की इकनॉमी को और सभी लोगों को तबाह करने के लिए इस तरीके का वायरस बनाया है, जैसा कि आपने साइंटिस्ट को सुना। और ऐसा बहुत सारे देशों ने दावा किया है। रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की एक लैब में साइंटिस्टों ने दावा किया है कि ये वायरस मैन मेड है, जानबूझकर बनाया गया है, और ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी हो सकता है। आप समझ सकते हो दोस्तों, चाइना, चलो ठीक है आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है, आपने ये वायरस बना दिया, लेकिन कर्म अगर आप ऐसे हैं आपके कि आप दुनिया को बर्बाद करके खुद सबसे बड़ी आवाज़ बनना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। कर्म, आपके कर्मों का फल आपको मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट है हमारा, आपको भी पता है कर्मों का, कर्मा पे बहुत बिलीव है भारत के लोगों का, हिंदू धर्म का, और आजकल तो दुनिया में भी बहुत कर्मा चल रहा है। तो डेफिनेटली चाइना को इसका रिजल्ट मिलेगा, ये विश्वास रखें। और गाइज, आपको भी पता है कि भारत में वायरस से लगभग लगभग सरकारी आंकड़े तो 2.5 लाख हैं, लेकिन मुझे लगता है इसमें 2.5-5 लाख भी डेथ हो सकती हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि कई लोग तो खत्म हो रहे हैं, ना उनकी कोविड टेस्ट हुई है, उन्हें पता ही नहीं चल रहा वो कैसे मर रहे हैं। और कई लोग ऐसे भी हैं कि बेचारे वो नॉर्मल डेथ भी हो रही है। इंडिया में पर डे 22,000 से 23,000 लोग नॉर्मल डेथ से मरते हैं, क्योंकि आपको भी पता है 150 करोड़ की लगभग हमारी आबादी है, तो 22,000 से 23,000 तो नॉर्मल डेथ से मरते हैं। तो उसमें भी कई लोग इतने घबरा गए हैं कि शायद वो कोरोना से ही मरे हों, लेकिन हो सकता है कोविड से भी मरे हों, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बार जो सेकेंड वेव है, आपने डेफिनेटली किसी ना किसी को सुना होगा अपने आसपास करीब में कि उसकी डेथ हो गई है। फर्स्ट वेव में शायद आपने सुना भी ना हो, क्योंकि फर्स्ट वेव में बहुत कम लोग मरे थे, और फर्स्ट वेव में हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो हम लोगों ने लॉकडाउन भी फॉलो किया था। इस बार थोड़ा सा हम लोग ने लॉकडाउन भी अच्छे से फॉलो नहीं किया। तो गाइज, आपने अपने बुज़ुर्गों को, अपने मम्मी पापा को वैक्सीन लगवा दी हो तो अच्छी बात है, 45 प्लस हो। और आपको भी पता है कि 45 18 से जो 44 के बीच वालों को वैक्सीन लगने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैक्सीन है नहीं, आबादी इतनी ज़्यादा है, तो इस सब चीज़ों में टाइम लगेगा। तो अपनी बारी का इंतज़ार करें और वैक्सीनेशन कराएं, हो सके तो अभी कोशिश करें जितना हो सके घर से बाहर ना निकलें, उसी में आपका फ़ायदा है। जिम करते हों, घूमते हों, ये करते हों, जो भी है, कुछ दिन के लिए ना निकलें, शायद आप वायरस ले आएँ, आप बच जाएँ, आपके घर में कोई आपकी वजह से पॉजिटिव होकर उसकी डेथ हो जाए तो आपको ज़िंदगी भर पछतावा होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें।